लेकिन हम लोग त्रिकोण का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जनरली एनटीपीसी हो गया आपका, जेई हो गया, एसएससी, सीजीएल, जितने भी ये सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, इसमें आपका आसानी से बन जाएगा, बहुत मुश्किल काम नहीं है। जितने भी ट्रिको का क्वेश्चन होते हैं ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, जिसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अगर यहाँ पर गिवन है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टू साइन एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स, इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसके लिए क्या करना है, टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, तो साइन एक्स और कॉस एक्स के साथ में मल्टीप्लाई है, थ्री थ्री जा नाइन, टू थ्री जा फोर, थर्टीन, ये रूट अंडर थर्टीन इसका हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। ये आ गया मैक्सिमम वैल्यू, यानी रूट थर्टीन हो गया, ठीक है। अगर इसी में आपको मिनिमम वैल्यू पूछेगा, इसके आगे माइनस लगा दीजिए, माइनस रूट थर्टीन, ये हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। इसको अगर क्लासिकल मेथड से बनाने के लिए जाएंगे तो उतना टाइम आपसे मिलेगा नहीं, वो क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है। इस प्रकार से इस पर ट्रिकी क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ कह रहा है द वैल्यू ऑफ टैन 4 डिग्री, टैन 43 डिग्री, टैन 47 डिग्री, टैन 86 डिग्री इज, इसका वैल्यू कितना होगा। सेम हम लोग अप्रोच लगाएंगे, ट्रिक से बनाएंगे। अब देखिए टैन 4 और 86 ये दोनों का सम कितना हो रहा है 90 डिग्री, 43 और 47 ये दोनों का सम अगेन 90 डिग्री। जब ये एंगल का सम 90 डिग्री हो जाएगा तो इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 1, और ये दोनों का सम अगर 90 है तो इसका वैल्यू भी 1, यानी 1 इंटू 1 आंसर आ जाएगा 1, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। अगर इसको बनाने के लिए जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा, काफ़ी टाइम लगेगा। सेकेंड में देखिए जितने भी क्वेश्चन है ट्रिक से ही बनाने पड़ेंगे। द वैल्यू ऑफ cot 10 डिग्री, cot 20 डिग्री, cot 86 डिग्री, cot 70 डिग्री, cot 80 डिग्री, इसका क्या वैल्यू होगा। सेम अप्रोच आप लगाइए, 10 और 80 ये 90 डिग्री हो गया, इसका वैल्यू आपका 1 होने वाला है, इनटू 20 और 70, 70 अगेन हो गया आपका 90, इसका वैल्यू भी 1 हो गया, इनटू cot 60 का वैल्यू मालूम है 1/√3 होता है, इंटू 1/√3, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे 1/√3 आ जाएगा, इसका जो वैल्यू आ जाएगा 1/√3। ट्रिको के जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन आपको ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते। ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और सारे क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन जाएगा।